हेलो फ्रेंड, हम आज जा रहे हैं चना का स्टू वाली सब्ज़ी बनाने। ये रहा, इसमें मसाले नहीं पड़ते हैं, बहुत कम में और बहुत झटपट अच्छा और बहुत टेस्टी चना का सब्ज़ी बनेगा हमारा। ये हमने चना भिगोया हुआ है, नमक, हल्दी, खड़े गरम मसाले इसमें मैं डालूँगी, सूखी लाल मिर्च, तेज़पत्ता, लहसुन अदरक कूटा हुआ, थोड़ा सा गोलमरीच पाउडर और ये मैंने प्याज काट के रखा हुआ है। तेल हमारा गरम हो चुका है, हम इसमें तेजपत्ता, खड़ा गरम मसाला, जब हमारा गरम मसाला चटकने लगेगा तब हम इसमें अपनी सूखी लाल मिर्च, ये बहुत ही झटपट और बहुत ही टेस्टी बनता है। देखते हैं, हमारा मसाला हो चुका है, हम इसमें अपना प्याज और अपने ये सारे मसाले और चना, सब हमने डाल लिया। अब इसे हम दो मिनट चला के फिर पानी डाल के प्रेशर कर लेंगे। देखिए, हमने चला के इसे 5 मिनट के लिए ढक के, 5 मिनट हम बस चलाएंगे, ढकेंगे, ऐसे कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। ये बिल्कुल ही मटन की तरह लगता है और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करें। बिना मसाले वाली हमारे चना की घुगनी, गांव में हम लोग इसे घुगनी बोलते हैं, स्टू वाली सब्जी बोलते हैं। देखिए फ्रेंड, हम इसमें सूखी लाल मिर्च का पाउडर भी नहीं डाले हैं क्योंकि हमें इसे एकदम देहाती स्टाइल कलर लाना है, और ये कितना अच्छा इसका कलर दिख रहा है। अब हमारा ये हो चुका है, हम पानी इसमें बहुत कम डालेंगे, हम सूखा चना बना रहे हैं इसलिए हम पानी अंदाज से डाल। देखिए फ्रेंड, हमने इतना पानी लिया है, आधा ग्लास, क्योंकि प्याज भी फिर पानी अलग हो जाता है। इसे जब इसमें प्रेशर पकड़ लेगा तो हम इसमें गैस को एकदम धीमा कर देंगे, धीमी आँच पर हम इसे सीटी लगाने तक 5 से 10 मिनट रखेंगे, जिससे चना हमारी बहुत अच्छी तरीके से गल जाए। देखिए फ्रेंड, हमारा 10 मिनट हो चुका है, हम गैस को बंद कर देते हैं। प्रेशर निकलने के बाद मैं इसे आपको निकाल के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, हमारा चना बन गया है, हम इसे देखिए क्या, हमने कम पानी डाला था, देखिए फिर भी हमारा इतना पानी है। अगर आपको मन है तो इसे सुखाएं या फिर थोड़ा सा ऐसा रहने ही दें, मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। देखिए फ्रेंड, हमारा स्टू चना, देहाती चना बन के तैयार है। देखिए ये कितने अच्छे से गल गया है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, बिना मसाले का, सिर्फ लहसुन अदरक और गोलमरीच पाउडर में इतना टेस्टी चना का सब्ज़ी। आप ज़रूर एक बार ट्राई करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।